रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला था एक्जे लाइन के अकॉर्डिंग भी डाइपोल है, ये ए भी था ना भी, ये प्लस क्यू था, ये क्या था माइनस क्यू। इस कंडीशंस के अंदर डायरेक्शन क्या आई थी, हमने यहाँ पर निकाला था पॉइंट सी एट एक्जे लाइन पे भी डायरेक्शन क्या आई थी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के भी, बताओ आपको याद होना चाहिए, फ्रॉम बी टू सी थी। हमने यूज की डायरेक्शन बड़े वाले की भी याद होता आपको, इवन की यूज की थी तो क्या था फ्रॉम बी टू सी, ये डायरेक्शन किसकी थी ई की थी नेट की भी। इसी कंडीशन में अगर चेक करो व्हाट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट भी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ होती है हमेशा भी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये डायरेक्शन किसकी है ये पी की है। यस सर नो, यानी बोल सकता हूँ पी और ई की डायरेक्शन क्या सेम है, सही है कि नहीं है, कर पाओगे। अभी हम टॉपिक किया एक इक्वेटोरियल का पॉइंट का केस किया था, अभी ए भी डाइपोल था, यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे क्या था माइनस क्यू, यहाँ पे था सी पॉइंट एट इक्वेटोरियल लाइंस, ठीक है। सी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या थी नेट की भी ऐसी आई थी, चेक कर लो फ्रॉम सी टू डी, यस सर नो। लेकिन इसके अंदर चेक करो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या थी, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उल्टे लग रही है डायरेक्शन उल्टी आ रही है, यस सर नो। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इन इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए उल्टी होती है, समझ में आया कि नहीं आया भी? ये पॉइंट याद रहेंगे, इनको नेक्स्ट पॉइंट में यूज करना मेरे को भी, अभी किया हम लोगों ने एरोपिक दोबारा किया मैंने कि डायरेक्शन पता ले आपको कैसे हो रही है, समझ में आया भाई, यस सर नो। तो नेक्स्ट अब देखिए जो एंगल थे यहाँ पे एंगल कितना था ई और पी में भी, जीरो, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, इसके बीच में इक्वेटोरियल लाइंस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, इसके बीच का कोई एंगल और भी हो सकता है जीरो से 90 के बीच में या जीरो से 360 बीच में, कुछ भी हो सकता है वैल्यूज भी, तो उसका जनरल फार्मूला क्या बनेगा भाई किसी भी एंगल के निकालना चाहते हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, किसी भी पॉइंट पे निकालना हो भी, जरूरी नहीं है जीरो या 90 डिग्री हो, ठीक है कोई और पॉइंट भी हो सकते हैं, तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा अभी इसका निकालने का तरीका क्या होगा, एनी पॉइंट कुछ भी हो सकता है अभी किसी भी एंगल पर हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास एक डाइपोल है, दिस इज द डाइपोल ए बी, ए बी था ना ये मिड पॉइंट था इसका ओ, यहाँ पे प्लस क्यू था क्या था ना, यहाँ पे क्या था माइनस क्यू। अब की बात जो पॉइंट सी था अभी वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, सी पॉइंट ये ना तो जीरो पे ना 90 पे है, नहीं एंगल थीटा भी, कौन सा एंगल है ये थीटा, ओके तो कैसे निकालोगे भी? देखिए अगर ढंग से देखो इस डाइपोल को आप लोग, डाइपोल की डाइपोल मोमेंट तो होगा कैसे होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इसको मैं पी बना लूँ, डायरेक्शन में पी क्या होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पी हो गया अभी डाइपोल मोमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये बोल सकता हूँ कि डाइपोल मोमेंट और इसके बीच में कितना एंगल है थीटा एंगल है, ये बात सही है कि नहीं है? क्या आप पी को रिजोल्व कर सकते हो कंपोनेंट की टर्म में? देखो यहाँ से अब तक का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग, ओ सी, आर ले लेते हैं क्या दिक्कत है, एक्स ले लो चॉइस आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात में कर लोगे, मैंने आर ले लिया, क्या आप पी को रिजोल्व कर सकते हो कंपोनेंट की टर्म में भी, जहाँ पे एंगल बना हुआ है वहाँ पे क्या आएगा पी कोस थीटा, यस आर नो भी, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या आएगा पी साइन थीटा, ये बात समझ में आ रही है, यस आर नो भी। इस लाइन को पीछे मिला दूँ ऐसे क्या फर्क पड़ता है, समझ में आई बात है? अब ये चेक करो ढंग से, अभी जो C पॉइंट है P cos थीटा के काम पे लाई कर रहा है एक्जियल पे कि इक्वेटोरियल पे भी,
दोबारा देखो, C पॉइंट P cos थीटा के एक्सियल पे है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर? एक्सियल लाइन पे है, एक लाइन में है दोनों, तो किस में है? एक्सियल। ये बात समझ में आ रही है? C पॉइंट P साइन थीटा के एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे है? इक्वेटोरियल पे। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? दो पॉइंट दोबारा देखिएगा, C पॉइंट P cos थीटा के एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, यस और नो? C पॉइंट P साइन थीटा के इक्वेटोरियल पॉइंट पे लाई कर रहा है। अगर आपको दोनों टॉपिक आते तो इजीली कर पाओगे टॉपिक को भी। अब अगर ये C पॉइंट यहाँ पे है, देखिए C पॉइंट ये है अभी, अगर आप इसके लिए निकालना चाहते हो P cos थीटा के लिए, तो इसके लिए किसकी वैल्यू आएगी? एक्सियल की वैल्यू आएगी, यस और नो? अगर आपको याद हो डायरेक्शन इन एक्सियल लाइन के अंदर E और P में सेम डायरेक्शन थी, एक्सियल लाइन के अंदर E और P की डायरेक्शन क्या थी? सेम थी, यस और नो? नहीं, जो जो डायरेक्शन किसकी है? P cos थीटा की है, वो डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? E की भी होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? C पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? P cos थीटा के एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा, डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी डायरेक्शन में होगा, इट इज से ई वन बी। समझ में आई बात है? यस और नो? C पॉइंट P साइन थीटा के कहाँ लाई कर रहा है? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो डायरेक्शन कैसे बनाऊँ बताओ, कैसे ऐसे बनाऊँ? याद है इसको खड़ा करके डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो, यस और नो? ये कौन सा है? E2, दो बन गई भाई, एक ड्यू टू एक्सियल लाइन, एक ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, दो वैल्यू आ गई ई वन ई टू की। वही तरीका जोड़ना है इनको भी। जोड़ने का तरीका क्या है? बाय यूजिंग पैरेललोग्राम यूज कर ले, यस और नो? तो पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा, पैरेललोग्राम का डायगनल क्या देगा आपको? रिजल्टेंट। ये डायरेक्शन किसकी आएगी? रिजल्टेंट की, इट इज ई बी। एनी प्रॉब्लम क्लास? समझ में आया टॉपिक में? बनाओ डायग्राम, लिख लीजिए। देखो भाई, We have an electric dipole of dipole moment P। एक dipole है भाई, moment कितनी है उसकी? dipole moment है P, इतना ही रखना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कर लोगे? आगे लिखिए, C is the any point where we want to find out, where we want to find out electric field intensity, okay? जहाँ पे आपको C पे निकालना है फील्ड इंटेंसिटी, देख दिया था ना अभी? Which make angle theta with dipole। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? थीटा कुछ भी हो सकता है, कर लोगे? आगे लिखिए, resolve P into rectangular component as shown in diagram। हो गया, सही है कि नहीं है? अब देखो भी, जो डायग्राम में दिया हुआ है P cos थीटा और P sin थीटा, इसके अकॉर्डिंग C कहाँ पे लाई कर रहा है अभी? ये नाम दे दें, कुछ इनका नाम भी देते हैं। ये नाम क्या दें बताओ? C के बाद क्या आएगा? D के बाद इधर यूज कर रहे हैं, उसके बाद F, यहाँ पे G लिख देता हूँ। C point lie on axial line of P cos theta। मैंने क्या बोला है? C point lie on axial line of P cos theta। axial line का फॉर्मूला क्या था, कुछ याद है भाई? E का 1/4πε0 2π/r3, याद है? केस हमने बनाया था अभी। और इक्वेटोरियल का क्या आंसर आया था अभी? 1/4πε0
पी बाई आर थ्री, यही था। तो इसका इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर रहेगा विकलास? ई वन का वैल्यू कितना हमें ई वन समझ में आता है ड्यू टू एक्स जे लाइन पे? ई वन कितनी वैल्यू आएगी? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी टू पी, यस और नो? कौन सा पी यूज कर रहे हैं हम लोग? भी पी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो पी का क्या यूज कर रहे हैं? कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, कौन से वाला भाई? पी कॉस थीटा। तो सिंपल लिखोगे इसको टू पी कॉस थीटा बाई आर थ्री। डायरेक्शन लिखूं फ्रॉम सी टू डी, लिख दूं फ्रॉम सी टू डी, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि वेक्टर ना भाई सब कुछ, डायरेक्शन देनी पड़ेगी आपको साथ में। कर पाओगे? इसमें कोई प्रॉब्लम है? आगे लिखिए, इसी में लिखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर, सी पॉइंट लाई ऑन इक्वेटोरियल लाइन, सी पॉइंट लाई ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ पी साइन थीटा, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ पी साइन थीटा। कहाँ पे लाई कर रहा है ये? पी साइन थीटा की इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, ये बात सही है कि नहीं है? तो अगर उस वो लाई कर रहा है तो ई टू का वैल्यू कितना होगा भाई? ई टू है फील्ड इन इक्वेटोरियल लाइन्स, इसका फॉर्मूला ये बनता है। तो क्या लिखोगे? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी, कौन सा कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ? साइन थीटा, पी साइन थीटा बाई आर थ्री फ्रॉम, क्या लिखूँ बताओ जल्दी से? सी टू जी लिख दूँ, सी टू जी, ये बात सही है कि नहीं है? एनी प्रॉब्लम भाई? दोनों आ गए। तो नेट ई निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो नेट ई लिखिएगा, नेट ई, तो ई रिजल्टेंट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ई का वैल्यू कितना बता सकते हो मेरे को? क्या लिखोगे? ई वन स्क्वेयर प्लस ई टू स्क्वेयर प्लस टू ई वन ई टू, कितना एंगल दोनों के बीच में? ई वन ई टू में 90 डिग्री भी, यस और नो? फार्मूला क्या बनता है रिजल्टेंट का? अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा भी, यस और नो? याद है कि नहीं है? तो कोस 90 कितना होता है? जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये जीरो हो गया सर। अभी बच गया क्या? ये हो गया इतना इज इक्वल टू कॉस 90 हो गया जीरो, बचा क्या? ई वन स्क्वेयर प्लस ई टू स्क्वेयर, सही है कि नहीं है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई वन एंड ई टू, वैल्यू निकाल चुके हम लोग, कितना वैल्यू था भाई ई वन का? ये था वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी कोस थीटा, ये था बाई आर थ्री का स्क्वेयर प्लस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी था साइन थीटा बाई आर आर स्क्वेयर था क्या ये? आर थ्री का स्क्वेयर भी सही है। इस इक्वेशन से क्या कॉमन आ रहा है? ये कॉमन है, पी कॉमन है, आर थ्री कॉमन है, ये नहीं है, इसका स्क्वेयर कॉमन है भाई, स्क्वेयर है ये, सबका स्क्वेयर है। और स्क्वेयर अंडर रूट से बाहर आएगा तो कट जाएगा, तो सिर्फ वैल्यू आएंगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कॉमन क्या आ रहा है चेक करो जल्दी से, कितना आएगा? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉमन है, आर थ्री कॉमन है, यस आर नो? अंडर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वेयर कट जाएगा, सही है कि नहीं है? अंदर क्या बचा भाई? यहाँ पे टू बचा, टू कोस स्क्वेयर, टू कोस बचा ना, तो क्या होगा? फोर कोस स्क्वेयर बता दो, फिर यहाँ पे साइन स्क्वेयर, सही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर थ्री अंडर द रूट थ्री कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ये बात सही है कि नहीं है? कौन सा पी आएगा जो मैंने लिखा है सही है क्या? थ्री प्लस वन फोर हो गया, अरे थ्री कोस स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर कितना होगा? फोर कोस स्क्वेयर। और ये क्या वैल्यू होती है? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ये वन होता है अभी, यस और नो? तो मेरा आंसर क्या है अभी? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा तो वन हो गया अभी, तो वैल्यू कितनी आई ई की भी? वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर थ्री इंटू
क्या लिखूँ, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कौन सा पीरियड अभी समझ में आया तुमको? डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? याद है डायरेक्शन कैसे निकालते थे वहाँ पे? अल्फा बीटा लेके वहाँ पे टेंजेंट निकाल के, कुछ याद है कि नहीं है? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कोस थीटा, कुछ ऐसा कुछ आंसर आता था। सेम यहाँ पर भी करना है अभी आपको। डायरेक्शन निकालने के लिए ये एंगल कितना मान लेते हैं? अल्फा मान लें भी? अल्फा कर पाओगे? तो अल्फा निकालना आपको, देखो जितना अल्फा जहाँ पे अल्फा जाएगा ये वैल्यू वहीं पर जाएगी, एंगल्स में ई का वैल्यू वहीं पर जाएगा डायरेक्शंस में। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो बड़ी द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा भी लिख लीजिए फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, सॉरी टेंजेंट अल्फा भी। टेंजेंट निकाल लो, इससे निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बाई बेस, यस और नो? परपेंडिकुलर बाई बेस ये बनेगा। तो ये किसके बराबर है परपेंडिकुलर? ये तो ई टू के बराबर है और बेस ई वन के बराबर है, यस और नो? एक बार लिख देता हूँ मैं, कितना आएगा एफ डी बाई एफ है ना ही पॉइंट सी डी, सही लिखा है एफ डी बाई सी डी, यस और नो? यानी लिख सकता हूँ इसको मैं, इट इज ई टू बाई ई वन भी। चेक कर लो एक बार, ई टू बाई ई वन सही है, ये ई टू है तो ये भी इतना ही है, ई टू है ये भी, ये ई वन है ये भी कितना है, ई वन ही है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई वन एंड ई टू भी रब करते हैं डायग्राम, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई वन, सॉरी ई टू, ई टू कितना था पी कॉस थीटा साइन थीटा, ई टू का वैल्यू, ई टू का साइन था साइन थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर थ्री, नहीं था भाई, इज द वैल्यू ऑफ ई टू डिवाइड बाई ई वन, उल्टा कर दूं तो यहाँ पे कितना आएगा ऊपर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर थ्री और यहाँ पे पी टू पी साइन थीटा टू पी कोस थीटा भी, यही था ना टू पी कोस थीटा, कट दो। तो टेंजेंट अल्फा बराबर है कितना आया वन बाई टू टेंजेंट थीटा भी, क्या मैंने सही लिखा, पी से पी काट दिया, इससे ये काट दिया, साइन बाई कोस बचा, टेंजेंट और टू यहाँ पे बचा भी, ये से कट गया तो वन बाई टू पी नहीं कटेगा वन बाई टू आएगा भी, वन बाई टू टेंजेंट थीटा भी सही है, यस और नो? डायरेक्शन क्या आएगी वन बाई टू टेंजेंट थीटा। जब एंगल कितना होगा वेन थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री भी, एंगल कितना हो जाए जीरो पे हो जाएगी, मतलब क्या इस बात का एंगल जीरो मतलब एक्जी लाइन पे है, एक्जिल पे आ गया भी, यस और नो? इतना था थीटा, थीटा बना था ऐसे, ये कहाँ पे आ गया एक्जिल पे भी, ये लिख सकते हो एक्जिल लाइन क्या किस कर रहे हैं, डालो ब्रैकेट डाल लीजिए फॉर एक्जिल लाइन में भी। अगर थीटा जीरो हो जाए तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा अभी, ई इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर थ्री अंडर द रूट थ्री कॉस स्क्वायर जीरो प्लस वन, कॉस जीरो कितना होता है वन का स्क्वायर वन ही आएगा, थ्री प्लस वन फोर का अंडर रूट, सही है कि नहीं है, कितना हुआ टू पी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर थ्री, क्या आंसर मैच कर रहे हैं एक्जिल का वाला, ये आंसर था एक्जिल का भी, सही है, कैसे आंसर आ रहा है एक्जिल का आ गया भाई, यानी इसके लिए एप्लीकेबल तो है बिल्कुल। अगर थीटा कितना हो जाए, केस टू डालिए, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री भी कितना हो जाए 90, किसका गेस कर रहे हैं हम लोग, इक्वेटोरियल लाइन का कर रहे हैं, ये ऐसा ऐसा हो गया अभी 90 पे, कॉस 90 कितना होता है जीरो, तो ई का वैल्यू कितना होगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर थ्री, थ्री कॉस स्क्वायर 90 प्लस वन, कॉस 90 जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस वन, वन का अंडर रूट कितना आएगा वन, सही है yes. तो ई का वैल्यू कितना हुई पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर थ्री, ये किसका आंसर था भाई, इक्वेटोरियल का आंसर था ये,
चेक कर लो, यस और नो, यानी जो हमने निकाला फार्मूला, ये जनरल फार्मूला बनता है, अभी किसी से भी निकाल सकते हैं इसका आंसर से। कर पाओगे? एनी प्रॉब्लम भाई? टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। भी एक्सिस कौन सी होती है? ये रिंग है, इसके जो लाइन सेंटर से पास करती है अभी परपेंडिकुलर, ये इसकी एक्सिस है, इसके इस पे रिंग पे चार्ज है, पूरे रिंग पे चार्ज है। अब क्यों डाइपोल यूज नहीं कर रहा है? दो चार्ज नहीं यूज कर रहा है, क्या कर रहा है? एन चार्ज यूज कर रहा है अभी, इट हैव एन चार्जेस, यस और नो? अब की बार हम चार्ज पॉइंट चार्ज यूज नहीं कर रहे, हम चार्ज बॉडी यूज कर रहे हैं, तो फर्क क्या पड़ता है? हम वो यूज कर लेंगे जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, लीनियर है, सरफेस है, वॉल्यूम है, यस और नो? एक चार्ज रिंग अभी क्लास, इसको ऐसे रखा गया, कर लोगे ऑफ रेडियस ए, मान लें कितना रेडियस है इसका, ए हो जाएगा। अभी इसको मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू, भी कितना चार्ज दिया मैंने इसको प्लस क्यू, तो पूरी बॉडी पर चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वल अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कौन बोलता है? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है, कर लोगे। और इसकी एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली पॉइंट क्या होगा इसका? एक्सिस होगा, तो आपको यहाँ पे निकालना, कहीं पे भी, कहीं पे हो सकता है पॉइंट, ये एनी पॉइंट, यस और नो? इस पॉइंट को हमने क्या लेते थे? सी, सी था ना ये पॉइंट, सी डिस्टेंस आर, ये पॉइंट हो सेंटर, ओके। ये बात समझ में आ रहा है? एक चार्ज रिंग है, इस पर चार्ज क्यों दिया गया? तो पूरा चार्ज रिंग पे फैल गया इन इक्वल अमाउंट्स पे, यस और नो? रिंग का चार्ज रेडियस कितना है? ए ले रखा है, इसकी एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है सी, वहाँ पे निकालना आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी। अब प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे भी आपको निकालना वहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग हमेशा प्लस वन कॉलम चार्ज भी। अब ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं, ये चार्ज बॉडी है अभी, तो क्या किया था हम लोगों ने, याद होता आपको, इस बॉडी के छोटे छोटे एलिमेंट कर लिए थे अभी, याद है कि नहीं है? तो इसको मैंने क्या कर दिया, छोटा सा एलिमेंट कर लिया यहाँ पे भी, एलिमेंट ए मान लेते हैं इसको, एलिमेंट कौन सा है ये? ए, इसकी लेंथ कितनी है? डी एल, चार्ज कितना है? डी क्यू, निकालना पड़ेगा, यस और नो? लेकिन एलिमेंट है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव होगा, जो एलिमेंट इस पे जो फील्ड लगाएगा छोटा सा एलिमेंट, तो फील्ड भी क्या होगा? छोटा होगा, यस और नो? फील्ड को डी ई मान लो भाई, डी एल है, डी ई है, डी क्यू है, तो फील्ड भी कितना हो गया? डी ई। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा ऐसे, सही है? डायरेक्शन ये रहेगी, किसकी डायरेक्शन रहेगी? स्मॉल ई की, डी ई, सही है कि नहीं? ये एंगल कितना मान लेते हैं? थीटा भाई, कुछ तो एंगल होगा, कर पाओगे? आप देखो ये एलिमेंट यहाँ पे ले लिया मैंने डी एल, इसके बिल्कुल अपोजिट ले लो एक एलिमेंट, इसको बोलते हैं डायगनली अपोजिट एलिमेंट्स भी, डायगनली अपोजिट एलिमेंट्स, कौन सा होगा? ये वाला, यस और नो? कितनी लेंथ है इसकी? भी डी एल यूज़ करनी पड़ेगी, सेम एलिमेंट, चार्ज इसका भी डी क्यू होगा भाई, क्योंकि वही है एलिमेंट, तो कर लोगे। ये एलिमेंट इस चार्ज को कैसे तक कमा सकता है? अपोजिट करेगा ऐसे, सही है? देखो इसका ये कितना लेंथ है, ये भी रेडियस है, ये सेम डिस्टेंस है, सेम चार्ज है, सेम लेंथ है, तो फील्ड भी सेम होना चाहिए भाई, यस और नो? बकवाड़ा क्या करता है, इसको डी ई मान लेते हैं, इसको डी ई डैश मानता है, बाद बोला कि बराबर है, पहले मान लेते बराबर है भाई, बराबरी तो हैं, सब कुछ सेम है भाई, चार्ज भी सेम है, लेंथ भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये भी डी ई होगी, ओके। ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा भाई, सब कुछ सेम है तो एंगल भी सेम होगा, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो वैल्यू क्या होगी? थीटा की भी सेम होगी। अब ये बताओ मेरे को, क्या आप डी को रिजोल्व कर सकते हो कंपोनेंट की टर्म में? अब देखो ये एक लाइन खींचता हूँ, ये इसके अपोजिट एंगल कौन सा? ये वाला, कितना एंगल है ये? थीटा। इसके अपोजिट वाला? थीटा भाई। क्या आप कर सकते हो रिजोल्व? इस डी को रिजोल्व करो कंपोनेंट में भी, इस तरफ कौन सा आएगा? डी ई कॉस थीटा, यस और नो? और इस तरफ
डी ई साइन थीटा, सही लिखा मैंने। सेम इसको करो फिर, जो इस तरफ कौन सा आएगा डी ई कॉस थीटा, सेम यहाँ पे करो डी ई साइन थीटा, यस और नो? अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो ना, डायगनली अपोजिट एलिमेंट के डी ई साइन थीटा कैंसिल करें दूसरे को भी, यस और नो? इनके डी ई कॉस थीटा क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ये सभी खाता होगा भाई। हर एक एलिमेंट का अपोजिट ले लीजिए, सभी का कर दो तो सभी के कहाँ पे बचेंगे डी ई कॉस थीटा, इस तरह बचेंगे सारे के, और बाकी डी साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो? तो अगर मैं सभी के डी ई कॉस थीटा को जोड़ दूँ तो मेरा आंसर निकल आएगा भाई, सही है कि नहीं है? तो जोड़ने का तरीका क्या है, दो तरीके जोड़ने के, या तो समेशन कर दो या क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो ऐसा कर लेते हैं, एक निकाल लेता हूँ और पूरे के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कर पाओगे? तो सिंपल टॉपिक है, डायग्राम बनाइएगा, लिखो भी। लिखिए, वी हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग, वी हैव ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस ए, ऑफ रेडियस ए एंड सी इज द पॉइंट, एंड सी इज द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ, सी इज द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। सी पॉइंट कहाँ पे है, एक्सिस पे है भाई चार्ज रिंग के, हो जाएगा वेयर वी वांट टू फाइंड आउट, वेयर वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सही है? कुछ नहीं करना भाई, इसको स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। लिख लीजिए, डिवाइड द एलिमेंट इंटू, सॉरी डिवाइड द रिंग इंटू स्मॉल एलिमेंट, डिवाइड द रिंग इंटू स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल, ऑफ लेंथ डी एल एंड चार्ज डी क्यू, एंड चार्ज डी क्यू, समझ में आई बात? तो ये बताओ मेरे को, जो स्मॉल एलिमेंट आपने बनाया है डी एल, उस पर चार्ज कितना हो सकता है? डी क्यू तो मैंने बोला है ना, वैल्यू कितना है उसका भी, कैसे निकालोगे? देखिए, देखो सिंपल सा तरीका है करने का भी, पूरी रिंग पे कितना चार्ज आया हुआ है, क्यों चार्ज है, यस और नो? और पूरी कितनी लेंथ है इसकी, 2 पाई है, सर्कमफ्रेंस होती है भी, 2 पाई ए पे कितना चार्ज आया हुआ, पूरे पे क्यू आया हुआ, यस और नो? 1 पे कितना आएगा, क्यू पाई 2 पाई ए, और डी एल लेंथ पे कितना आएगा, इन टू में क्या कर दोगे डी एल, क्या किसकी वैल्यू आ गई, डी क्यू की वैल्यू आ गई भाई, इन टू, ये बात समझ में आ रही है, क्या सर नो? तो मैंने तरीका चेंज कर दिया अभी, अगर आपके पास लेमडा हो, लेमडा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो सिंपल कर दोगे लेमडा इंटू डी एल, अगर वो नहीं दे रखा तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा आपको, पूरे पे कितना आया हुआ है, 1 पे कितना आएगा, स्मॉल एलिमेंट पे कितना आएगा, कर पाओगे? अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो इसको लिखो ब्रैकेट में भी, ये आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको कैसे निकालना है। हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे डी क्यू, उनको बुक वाला लगता है कि आपको आता होगा, उसको पता नहीं ना, उन्होंने पेपर चेक नहीं किए अभी, इसलिए मैंने लिखवाना पड़ा अलग से, हो गया? तो लिख लीजिए, इतना हो गया अभी, लिखिए, चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट इज, चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट इज डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल, सही लिखा है? इतना चार्ज होगा एलिमेंट पे भी, कर लोगे? अब इस पे फील्ड निकालना अभी, देखो इस एलिमेंट की वजह से फील्ड भी क्या होगा, छोटा होगा अभी, तो क्या ले सकता हूँ, डी ई क्या है, डी इज द स्मॉल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी एट सी,
ड्यू टू, डी क्यू चार्ज सही है कि नहीं है? ड्यू टू डी क्यू चार्ज स्मॉल एलिमेंट की वजह से, यस और नो? वैल्यू कितना होगा डी की, डी ई का भी फॉर्मूला क्या बनता है? 1/4πε0। चार्ज कितना है डी क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है भाई यहाँ से यहाँ तक का भी लिख सकता हूँ, इट इज ए सी स्क्वेयर भी, ए सी स्क्वेयर। एनी प्रॉब्लम क्लास? यहाँ से यहाँ तक ए सी है, ए सी स्क्वेयर हो जाएगा। डायरेक्शन जो नहीं लिख रहे अभी हम लोग कुछ भी कर लोगे इतना भी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, इसका ए सी निकालना पड़ेगा भाई। इन द ट्रायंगल्स भी, कौन सी ट्रायंगल है? ए ओ सी, ए ओ सी दिख रहा है ट्रायंगल आपको, ए ओ सी इस ट्रायंगल्स के अंदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वेयर भी, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर भी, यस आर नो? बता दो, तो लिख दो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी भी? अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, कर पाओगे? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ई, डी की वैल्यू कितनी होगी? 1/4πε0 डी क्यू, वैल्यू लिख दूँ अभी डी क्यू की, फिर बाद में लिख देंगे, डी क्यू बाई ए सी स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सही है, हो गया भाई। अगर आप इसके एलिमेंट के उल्टा एक एलिमेंट और मानते हो उसका वैल्यू भी यही आएगा, सब कुछ सेम है भाई, चार सेम है, आर सेम है, ए सेम है, यस और नो? आगे लिखिए, कंसीडर, कंसीडर ए डायगनली अपोजिट एलिमेंट, कंसीडर ए डायगनली अपोजिट एलिमेंट विच आल्सो गिव द, विच आल्सो गिव द सेम फील्ड इंटेंसिटी, विच आल्सो गिव द सेम फील्ड इंटेंसिटी, हो जाएगा? यस सर नो? आगे लिखिए अभी, इतना हो गया अभी, लिखिए रिजोल्व डी ई इंटू कंपोनेंट फॉर्म भी, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रिजोल्व डी ई इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सही है, एज शोज इन डायग्राम भी, एज शोज इन डायग्राम। अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि डायगनली अपोजिट एलिमेंट के डी साइन थीटा क्या कर रहे हैं, सभी के कैंसिल कर रहे हैं, हो जाएगा? तो लिख लीजिए, सो सो डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा इज कैंसल्ड बाई, डी साइन थीटा इज कैंसल्ड बाई डायगनली अपोजिट एलिमेंट, डी ई साइन थीटा इज कैंसल्ड बाई डायगनली अपोजिट एलिमेंट, ये सर नो? तो क्या बचा सिर्फ डी कोस थीटा बचेंगे, यस सर नो? तो बचा क्या सिर्फ है डी कोस थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है, एक का डी कोस थीटा, अगले का भी क्या है डी कोस थीटा, सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा भाई, रब कर दें इसको, लिख लीजिए टोटल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा भाई, क्लास बताओ, ई ले ले, क्या करोगे इंटीग्रेशन कर लेते हैं किसका, डी कोस थीटा का, क्या बच रहा है पहले से, क्या बच रहा है डी कोस थीटा, अगले से भी क्या बच रहा है डी कोस थीटा, एक का निकालें और बाकी क्या कर दें इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, दोनों निकालने पड़ेंगे भाई, नहीं एक एक का एक ही ना, दो के दो हैं, तीन के तीन हैं, चार के चार, एन के लिए एन है, वही तो जोड़ना है, दो दो ही हैं, एन तो गुणा मैन भी करना पड़ेगा भाई, तो एक का निकाल लेते हैं यार, पूरे के लिए आंसर आ जाएगा, कर लोगे? तो इस इसके लिए कोस और निकालते हैं भाई, इन द ट्रायंगल्स ए ओ सी, इस ट्रायंगल से कोस और निकाल लो भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा क्लास,
इस ट्रायंगल से कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो आर बाई, एसी की वैल्यू निकाल चुके हैं भाई, अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, याद है कि नहीं है? क्या आएगा? ए ओ बाई ओ सी, सॉरी ए ओ बाई ए सी, ए सी की वैल्यू निकाल दी जा चुकी है, सही है कि नहीं है? पुटिंग द वैल्यूज, रब करते डायग्राम भाई, इससे काम पूरा हो गया अभी। टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, निकाला था मैंने अभी, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना था नीचे भाई क्लास, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यस आर नो? ऊपर क्या था, डी क्यू था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, क्यू बाई टू पाई ए इंटू डी एल, ये वैल्यू किसकी थी, डी क्यू की वैल्यू थी भाई, यस आर नो? इंटू कॉस थीटा भाई, कितनी वैल्यू है, आर बाई अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, क्या मैंने सही लिखा, यही था ना? तो जो कांस्टेंट वैल्यू है सारी बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से। कांस्टेंट क्या क्या है, चार्ज कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है भाई, फिक्स किया हुआ हम लोगों ने, ये सारा कांस्टेंट है, आर बी ए बी टू पाई ए बी आर बी ए बी सारा, ये सर नो? तो क्या निकल रहा है बाहर, देखिए वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाहर निकल रहा है, आर बाहर निकल रहा है वहाँ से, यहाँ से भाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एक पावर ईयर आधी पावर ईयर है भी, तो पावर कितना, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का पावर थ्री बाई टू, सही है? इनटू कितना है, टू पाई ए, यारा इनटू इंटीग्रेशन डीएल भाई, यही है ना? बता दो डीएल क्या था, स्मॉल एलिमेंट था भाई, डीएल क्या था, स्मॉल एलिमेंट, सारे एलिमेंटों को जोड़ूंगा क्या बनेगा, पूरी रिंग तो बनेगी, यस और नो? तो पूरी रिंग का लेंथ कितना है, टू पाई ए है भाई, कितनी लेंथ है, टू पाई ए, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का पावर थ्री बाई टू, टू पाई ए इंटू कितनी भाई, टू पाई ए, सर्कमफ्रेंस पे, क्या बोलते हैं इसको, शेप के अकॉर्डिंग, शेप पूरी क्या बनेगी, रिंग ही तो बननी है, तो रिंग कितनी लेंथ है रिंग की, टू पाई ए, तो टू पाई ए से टू पाई ए काट देते, सही है? तो कितना आंसर हुआ, इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का पावर थ्री बाई टू, दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है भाई, रब कर दें, हो गया ना? एनी प्रॉब्लम, केस करें इसके, लिखो जल्दी से इसको एक बार, केस करें भी, केस फर्स्ट लिखिए, मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है केस भी, केस क्या लिखोगे, केस फर्स्ट क्या लिखे अभी, मान लेते हैं कि जो आपका पॉइंट सी है वो सेंटर पे लाई करे, तो भाई सेंटर पे आ जाए, तो देखिए सी, सी इज एट सेंटर, सी कहाँ पे हो जाए, सेंटर पे, तो क्या नहीं होगा डायग्राम में, अगर सी पॉइंट सेंटर पे हो जाए तो क्या नहीं होगा, आर नहीं होगा भाई, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, सही है कि नहीं है, बता दो, अगर आर जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सेंटर पे, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, जीरो होता है रिंग के, कर लोगे? दूसरी बात भी, जो रिंग है उसका साइज छोटा हो और पॉइंट सी बहुत दूर हो, तो रिंग को मैं क्या मान सकता हूँ, पॉइंट मान सकता हूँ, वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स भी, यस और नो? तो लिखो सिंपल, सेकंड केस लिखिए, केस टू, केस टू में लिखो, लिखिए पॉइंट सी लाई फार अवे, पॉइंट सी लाई फार अवे फ्रॉम द रिंग,
पॉइंट सी लाई फार अवे फ्रॉम द रिंग, सी पॉइंट बहुत दूर हो तो भाई, अगर सी पॉइंट दूर होगा तो आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा ए से भी, ये बात सही है कि नहीं? अगर आर की वैल्यू बड़ी होगी तो स्क्वायर और भी बड़ा होगा उसका, तो आर ए को एज कम्पेयर टू आर हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, सही है? तो करो नेगलेक्ट ए, तो ई का वैल्यू कितना होगा भाई, 1/4 πε0 क्यू आर बाई आर की पावर 3, एक आर से एक आर काट दूं, 1/4 πε0 क्यू बाई आर स्क्वेयर में, याद है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी, इस टाइम पे रिंग किस तरह बिहेव करेगी, एज ए पॉइंट चार्ज भी, कर पाओगे?